من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله رب العزة کا ارشاد مبارک ہے الله يجتبي إليه من يشاء اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی طرف اس کو منتخب کر لیتا ہے اس کو چن لیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالی آتا ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جو امید وابستہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے مایوس نہیں فرماتا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے جو بندے رب تبارک و تعالی کے تقرب کے اس کے قرب کے طالب بن کر طلبگار بن کر اس کے قرب کی جستجو میں بندے جب کوشاں ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے وَمَنْ يُجَاهِدْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اس کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے جہد بولتے ہیں نا جہد کار جد و جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مجاہدہ اسی سے ہے جی سخت محنت کرنا جی جد و جہد کرنا مجاہدات اسی سے ہے وَمَنْ يُجَاهِدْ فِينَا جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہیں جو کوئی ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں اپنے راستے ہم انہیں چلا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے راستے دکھاتا ہے نہ صرف بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستوں پر انہیں چلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں توجہات ہوتی ہے بندوں پر لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنی جانب سے جستجو کرے کوشش کرے اس کے قرب کو پانے کی اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کی اللہ کے نزدیکی اور قریبی بننے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننے کی بندہ کوشش کرے جستجو کرے تو اسے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی ناامیدی کی صورت دیکھنی نہیں پڑتی جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک اس ذات حی اور قیوم سے جو بندہ امیدیں وابستہ کرتا ہے اسے کبھی بھی ناامیدی کا چہرہ
मायूसी का चेहरा देखना नहीं पड़ता है। अल्लाहु यजतबी इलैही मन यशा, अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है अपनी तरफ मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है। ये एक अल्लाह तबारक व ताला का कायदा या कानून, ये अल्लाह तबारक व ताला की आदत मुबारक है, उसका इख्तियार है। जिसे चाहता है अल्लाह तबारक व ताला चुन लेता है। हजरत गिरामी, ये ऐसे अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई है कि रब तबारक व ताला जब जिसे चाहे नवाजे और जब जिसे चाहे चुन ले, और फिर अल्लाह तबारक व ताला चुन लेता है, फिर उनका इंतखाब कर लेता है। वो आम लोगों में से, आम बंदों में से होते हैं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला का इंतखाब हो जाता है, अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है, तो फिर उनका मकाम व मर्तबा सबसे सिवा हो जाता है। मौला तबारक व ताला के चुने हुए बंदों में वह शामिल हो जाते हैं। हुजूर पीराने पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ज़ात बाबरकात, आपकी ज़ात बाबरकात भी उन हस्तियों में से हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने चुन लिया है। वयहदी इलैही मन युनीब का मरहला तो आपकी मुबारक हयात तय्यबा में और आपकी मुबारक ज़िंदगी में नज़र आया। हर जगह इनाबत के जलवे नज़र आते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का जो मामला है, हर नफस इनाबत के जलवे हैं, हर आन इनाबत के जलवे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने के जलवे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला वयहदी इलैही की बशारत अता फरमाता है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत से सरफराज फरमाता है। मन युनीब, जो उसकी तरफ रुजू करते हैं, इनाबत इख्तियार करते हैं, जो उसकी तरफ पलटते और रुजू करते हैं। आपकी मुकम्मल हयात तय्यबा इनाबत इलल्लाह से इबारत है। यह आपकी हयात तय्यबा में विलादत बासआदत के बाद से ये, और सीने शऊर को पहुंचने के बाद से, बचपने में विलादत के बाद से ही ये जलवे इनाबत इलल्लाह के जलवे आपकी मुबारक ज़िंदगी में नज़र आएंगे। लेकिन अल्लाहु यजतबी इलैही मन यशा के अल्लाह ताला अपने लिए या अपनी तरफ मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है उन्हें जिसे वो चाहता है। अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की चाहत का मामला है, अल्लाह जिसे चाहे चुन ले। तो वो भी आपकी ज़ात बाबरकात उससे भी मुत्तसिफ नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्हें चुन लिया है उनमें से आपकी ज़ात बाबरकात है। आपके इंतखाब एक निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में आने से पहले से ही एक निज़ाम बनाता है। आपकी शख्सियत ताजदार विलायत है, सुल्तानुल औलिया हैं। दुनिया में आने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने वो निज़ाम आपके दुनिया में आने के लिए जो निज़ाम बनाया है वो बहुत ही मुनफरिद है। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद मूसा अबू सालिह जंगी दोस्त, वो बड़ी बाकमाल शख्सियत, तक़वे और परहेज़गारी के आला तरीन मकाम पर फाइज़ है, विलायत के आला तरीन मनसब पर कायम है, आला तरीन मनसब पर फाइज़ है, अल्लाहु समद। लेकिन वो हालात, वो अहवाल उस ज़माने के तंगदस्तियों का, फाकों का, फाका कशी का दौर, बड़े दिगरगुं हालात ज़ाहरी एतबार से काफ़ी अरसे तक आपके वालिद माजिद बुज़ुर्गवार के मुतालिक जो
रिवायात मोतबरा में, बड़ी मुस्तनद रिवायात में जो वाकया आया है कि एक अरसे दराज तक खाने के लिए कुछ मुयस्सर ना आया, कुछ मिला नहीं खाने के लिए, भूख और प्यास की बड़ी शिद्दत, और आप पानी पर गुज़र बसर कर लेते, लेकिन जब भूख की शिद्दत ज़्यादा होती है तो पानी से वो ज़रूरत पूरी नहीं होती। बहर कैफ पानी नोश करने के लिए, पानी पीने के लिए आप दरिया के पास तशरीफ़ ले गए और दरिया से आप पानी नोश फरमाए, दरिया से पानी लेकर आप पी रहे हैं। भूख की बड़ी शिद्दत है, बड़ी शदीद भूख लग रही है। क्या देखते हैं कि बस दरिया के ऊपर से एक सेब तैरता हुआ दरिया के ऊपरी सतह पर पानी के बहाव के साथ में आपकी जानिब बढ़ रहा है, लेकिन दरिया के किनारे आप थे, भूख की शिद्दत थी और दरिया है कोई कि कोई क़ुर्ब व जवार में कोई मौजूद भी नहीं, कोई करीब में। आपने वो सेब लिया, सेब लेकर आपने उसे तनाउल फरमा लिया। दरिया है, खुला मकाम है और किसी की कोई मिल्कियत भी तो नज़र आई नहीं, और भूख की भी बड़ी शिद्दत थी कि गोया अब एक नेमत आई है अल्लाह ताला की तरफ से, उसे लिया और भूख की शिद्दत थी कि आप उसे लेकर आपने नोश फरमा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने तनाउल कर लिया। अल्लाहु अकबर। खाने के बाद में, खा लेने के बाद में एक ख़्याल पैदा हुआ, एक एहसास पैदा हुआ कि मैंने ये सेब तो खा लिया लेकिन पता नहीं किसका है। अल्लाहु अकबर। पता नहीं किसका है, कौन इसका मालिक होगा। मैं गोया उसकी इस सेब के मालिक की इजाज़त के बग़ैर मैंने उसका सेब खा लिया है। अल्लाहु अकबर। ईमान और तकवे और परहेज़गारी के किस आला तरीन मकाम पर आप फाइज हैं। दरिया के ऊपर से तैरता हुआ दरिया में खुले मकाम पर दूर दराज तक कोई किसी का नाम और निशान नहीं, सेब आया और फिर आपने उसे तनाउल फरमा लिया, लेकिन एहसास पैदा हुआ कि न जाने इसका मालिक कौन होगा। मालिक की इजाज़त के बग़ैर मैंने सेब खा लिया है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह के पास मेरी पकड़ होगी इसके ऊपर, मेरी गिरफ्त होगी इसके ऊपर कि मैंने मालिक की इजाज़त के बग़ैर उसका सेब खा लिया। कितनी छोटी सी बात है, आप देखिए आप हमारी अपनी ज़िंदगियों में कैसे कैसे बड़े बड़े जरायम मौजूद होते हैं, और बड़ी बेजिगरी के साथ, बड़ी जुरत के साथ में हम कैसे कैसे गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पकड़ का, पुरसिश का, सवाल के जवाब देने का एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होता। ऐसा कौन सा गुनाह हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। फ़राइज़ को छोड़ने से लेकर नाजायज़ और हराम चीज़ों के इर्तिकाब तक आप देख लीजिए, गुनाह का एक बड़ा सिलसिला हमारे पास होता है। न हमारे हाथ गुनाहों से महफूज, न कदम महफूज, न ज़ुबान महफूज, न कान महफूज, न आँख महफूज है, और गुनाहों का इर्तिकाब किए जाते हैं। कैसे अल्लाह वाले हैं, कितनों के माल हड़प लेते हैं, एहसास फिक्र भी नहीं, किसी किस्म का कोई एहसास भी नहीं। किसी को धोखा देकर किसी का माल उतार लेना, जी खा लेना और डकार भी ना लेना जैसे बोलते हैं, ऐसी चीज़ें दानिस्ता तौर पर जानबूझकर, और उसको एक बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ा फ़न और बहुत बड़ा आर्ट मानते हैं। बड़ा आर्ट है, बड़ी महारत है, बड़ी कला है, ये
हराम खोरी की, अस्तग़फिरुल्लाह। वहाँ पर तो ज़ाहरी तौर पर तो ऐसा मामला कि बस से दरिया के ऊपर से आया, भूख की बड़ी शिद्दत है, तैरता हुआ आया, दूर दराज तक किसी का नामो निशान नहीं, आपने तनाउल फरमा लिया। शरीयत मुतहरा में अहकाम हैं, मसाइल हैं, कोई ऐसी चीज़ रास्ते में किसी मकाम पर पड़ी हुई मिले तो उस चीज़ को हम उठा लेते हैं, तो फिर शरई कुछ अहकाम है उसके मुतालिक, उसको फ़िक्ह में शरीयत में लुक़ताह कहते हैं, लाम क़ाफ़ ता और छोटी ता हा, लुक़ताह लुक़ताह लुक़ता कहते हैं। अगर वो चीज़ कोई चीज़ मिल जाए तो उसके मुतालिक अहकाम है कि फिर उस चीज़ के मुतालिक ऐलानात करनी है, जी ऐलानात करनी है कि ये किसकी है, ऐलान के तौर तरीक़े बताए गए, बाज़ार में हो तो कैसे, बस्ती में हो तो कैसे ऐलान, वो सारी तफसीली अहकाम मसाइल शरीयत मुतहरा में। लुक़्ता लक़ीत ये बाज़ाब्ता फ़िक़्ह की किताबों में इस उन्वान से बाज़ाब्ता असबाक और लेसन्स मौजूद होते हैं। लक़ीत यानी ऐसी नामालूम कोई शीरखार बच्चा मिल जाए, लड़का होता उसको लक़ीत कहते हैं, उसके मुतालिक भी अहकाम है। ऐसा नहीं कि कोई है नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ दिख गई उठाए डाल लिए, नहीं, मुआखज़ा पकड़े अल्लाह ताला की बारगाह में, अरे भाई इतनी मामूली चीज़ का क्या है, नहीं, हर चीज़ के मुतालिक बाज़ाब्ता शरीयत में अहकाम है। मज़हब इस्लाम की अज़मतों के क़ुरबान जाइए आप, आपको ख्याल हुआ ये तो लुक़्ता है, एक आम मकाम पर एक शय है, एक चीज़ आई है, कि दरिया की कोई चीज़ तो है ही नहीं, दरिया तो एक अवामुन्नास के लिए, अल्लाह ताला ने अवामी फ़ायदे के लिए दरियाओं को जारी किया, ये तो दरिया से हटकर कोई चीज़ है जो दरिया के ऊपर से तैरती हुई आपके पास आई। ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में पकड़ पुरसिश होगी, जवाबदही का मामला है, आप बस उस एहसास के साथ में आप उसके मालिक की तलाश में निकल गए। अब लाजमी बात है कोई चीज़ उधर से आ रही है तो मालिक की तलाश के लिए कि किसकी है तो उधर ही जाना पड़ेगा, उधर से आई हुई है, उस तरफ से होकर आई है, उसके आप दरिया के किनारे किनारे चलते रहे चलते रहे। लिखा है कि कई दिन की मसाफत तय करना पड़ा, भाई थोड़ी दूर जाकर देख लिया भाई कोई भी नज़र नहीं आ रहा, या कोई भी ऐसा दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा, चलो रहने दो, जी माल अल्लाह का कब्ज़ा अब्दुल्लाह का बोले जैसा, ज़मीन अल्लाह की कब्ज़ा अब्दुल्लाह का बोल के बड़ा मशहूर हो गया है, अल्लाहु अकबर, ये सब शैतान के बहकावे की बातें हैं। आप कई दिन की मसाफत सफ़र तय करते करते बस बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, तो एक देखा आपने एक मकाम पर कि एक बाग बना हुआ है, एक बाग में जो दरख्त है सेब का एक दरख्त, उसके फल्ले टहनियाँ दरिया के ऊपर झुकी हुई हैं, आपको यकीन हो गया कि भाई इसी बाग का ये जो दरख्त है सेब के जो दरख्त की टहनियाँ दरिया के ऊपर जो झुकी हुई हैं, इन्हीं का कोई सेब टूट कर दरिया पे गिरा और दरिया के ऊपरी सतह पर बहता हुआ पानी के बहाव के साथ वहाँ तक आ गया जहाँ मैं था और मैंने खा लिया है। कई दिन का सफ़र तय कर कर पहुँचे और बड़ी घबराहट के साथ में अब मालिक का सामना है, इजाज़त के बग़ैर सेब खा लिया है मैंने, अब मालिक क्या कहेगा, क्या मामूली चीज़, एक बाग है, बाग का एक दरख्त में से एक सेब, ज़ाहिरन क्या अहमियत है उसकी, अल्लाहु अकबर। बागीचे के बाग के दरवाज़े को आपने खटखटाया, अंदर से मालिक दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले, देखे कि एक नौजवान ठहरा है, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुआ। फिर उस नौजवान ने अर्ज़ किया कि मैं इतनी दूर से मसाफत तय कर कर आया, दरअसल मैंने आपके बाग का सेब आपकी इजाज़त के बग़ैर के पानी के ऊपर बहता हुआ वहाँ तक चला आया था और मैंने उसे खा लिया,
खाने के बाद ख्याल हुआ कि मैं आपकी इजाज़त के बग़ैर मैंने वो सेब खा लिया है, आप मुझको माफ़ कर दीजिए, आप मुझको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। एक जौहरी जौहर को पहचानता है जी, जो जौहरी होता है वो जौहर को पहचानता है हर एक आम आदमी, क्योंकि जौहर जवाहरात जो होते पत्थरों में छुपे हुए होते, अगर हमारे सामने वो जवाहरात को और वो पत्थरों को लाकर हमारे सामने मिक्स कर कर रख दे तो हम नहीं पहचान सकते इसमें से पत्थर आम पत्थर कौन सा है और जवाहरात जौहर कौन सा है, डायमंड्स कौन से हैं, हम नहीं पहचान सकते उसको। जौहरी को जौहरी जो होता है वही पहचानता है, फिर उनको तराशता है, तराश कर उनकी असल शक्ल में लाता है। फिर वो जौहरी थे, उस जौहर को पहचान लिए कि ये एक ऐसी सालिहियत और ऐसा एहसास किसी आम ईमान वाले में हो नहीं सकता है। इतना आला वस्फ तक्वा और परहेजगारी की इतनी आला मिसाल कौन बन सकता है। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया कि माफ़ी तो मिल जाएगी लेकिन कुछ शर्त है। बस खुश हो गए माफ़ी तो मिल जाएगी। अल्लाह की बारगाह में पकड़ और पुरसिश क्या मामला था, कौन पकड़ने वाला, कौन पकड़ कर लेके गया उनको वहाँ पर जी, कोई कभी उसके ताल्लुक से ज़िंदगी भर कोई सवाल होने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह की पेशी का जो एहसास है कि मरना है, कल क़ियामत के दिन उठना है और अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी है और हिसाब व किताब देना है, और वमन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है, बस यही एहसास था। जब जैसे ही कहा कि हाँ माफ़ी तो मिल जाएगी, बस इतने से खुश हो गए माफ़ी तो मिल जाएगी, शर्त मुझको मंजूर है आप जो फरमाए, मतलब पहाड़ एक तरफ से तोड़कर दूसरी तरफ मुंतकिल करना भी है, तोड़कर फोड़ फोड़ कर लाकर मुंतकिल, लेकिन माफ़ी मिल जाए बस। हम इधर बंदों के लोग हुकूक तलफ कर कर, बंदों के हक मार कर, बंदों के हुकूक मार मार कर, मालों में जी डंडियां मार कर, कारोबार में झूठ और फरेब से काम कर कर, न जाने ऐसे कई धोखेबाजियां कर कर, लोगों के माल हड़प कर कर, लोगों के माल खा कर, समझते हैं कि नमाज के बाद दो हाथ मार देंगे तो तौबा हो जाएगी, माफ़ी बख्शिश हो जाएगी, रमज़ान आया उम्रे के लिए चले गए तो सब पाक और साफ हो जाएंगे, चाहे लोगों के कितने ही माल हड़प कर लें या लोगों के माल कितने ही गसब कर लें, लोगों के हुकूक कितने तलफ कर लें या लोगों पर कितना ही जुल्म कर लें, यूँ माफ़ हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक सेब की माफ़ी के लिए कई दिन का सफ़र तय किए, रातों की सफ़र के दौरान रातों की तकलीफ़ें और मशक्क़तें, दिन में चलते रहना प्यादा पैदल पैदल इतना तवील से, जब पहुँचे बाग के मालिक से कहा कि माफ़ी तो मिल जाएगी, खुश हो गए, शर्त है जो शर्त है मंजूर है लेकिन आप माफ़ कर दे बड़ी मेहरबानी है, एक सेब की माफ़ी के लिए। अल्लाहु अकबर। कहा कि आपको 10 साल का अरसा, 10 या 12 साल का अरसा आपको बाग की खिदमत करना है, बाग को साफ़ सफाई, बाग की बागीचे की साफ़ सफाई करना है, पानी डालना है, पानी सींचना है दरख्तों को, और बाग की साफ़ सफाई का काम करना है, बाग की खिदमत करना है, एक दो घंटे के लिए नहीं, एक सेब की क्या भाई क्या उजरत हो सकती है, उसकी क्या कीमत हो सकती है, कीमत पहले अगर हो तो कीमत तय हो सकती है, भाई सामने वाला भाई 1 रुपये का सेब है जो भी है, क्या मार्केट में क्या कीमत थी भाई, उसकी कीमत ही है, अब बाद में अब उन्हें जो कीमत चाहे बोले मालिक है, अब वो मालिक है, जो कीमत चाहे तय करे, अब वो अब उसकी कीमत ये 10-12 साल की उसकी कीमत उन्हों खिदमत तय किए, इसकी कीमत ये है कि अब आप माफ़ी जब मिलेगी आपको। अल्लाहु अकबर। आप लगे रहें बस माफ़ी मिल जाए, 10-12 साल तक बाग के पानी सींचते रहे, साफ़ सफाई का काम करते रहे, जब वो मुद्दत
मुकम्मल हो गई, पीरियड मुकम्मल हो गया, कोई मेहमान उनके पास आए हुए थे, हजरत अब सैयद अब्दुल्लाह सुमाई रजी अल्लाह तआला, वो बाग के मालिक थे। मेहमान आए हुए थे तो कहा कुछ बाग के कुछ सेब लेकर आओ मेहमानों को पेश करने। खिदमत में तो लगे ही थे, अब बाग से कुछ सेब लेकर आए। जब सेब सामने पेश किया तो सेब खट्टे थे, खटास थी सेब में। उन्होंने कहा कि खट्टे सेब तुमने पेश कर दिए, 10-12 साल से बाग में रहते हो, बाग की खिदमत में लगे हुए हो, क्या तुम्हें अब तक भी पता नहीं कि कौन सा सेब मीठा और कौन सा खट्टा होता है? अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला सुमाई रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद से फरमाया, अबू सालेह, क्या तुम्हें ये भी पता नहीं कि कौन सा सेब मीठा और कौन सा खट्टा होता है? अल्लाहु अकबर। क़ुरबान जाइए, दियानत का, दियानतदारी का क्या नमूना है। आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम 10-12 साल से मैं बाग की खिदमत में हूँ, जो मेरे हवाले खिदमत तफवीज़ है बस उसी काम में लगाऊँ, कभी मैंने नज़र उठाकर सेब को तक नहीं देखा है, सर उठाकर सेब को तक नहीं देखा है मैंने। चखना तो दूर की बात है कि कौन किस में मिठास होती है और किस में खटास होती है। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक लिखा है, आप बड़ा हैरत और ताज्जुब आपको हुआ, हज़रत अब्दुल्ला सुमाई बाग के मालिक जो हैं। फिर आपने फरमाया कि आपको अभी माफ़ी मिलने वाली नहीं है, आपको एक और शर्त पूरा करना है। क्या मामला है, एक सेब की माफ़ी के लिए इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सालों खिदमत करने के बाद भी माफ़ी नहीं, एक और शर्त पूरी करना है तब जाकर आपको माफ़ी मिलेगी। आपने फरमाया कि माफ़ी तो मिल जाएगी, माफ़ी तो मिल जाएगी, आप क्या शर्त है आप इरशाद फरमाएं। फरमाया कि ऐ मूसा अबू सालेह, ऐ मूसा मेरी एक लड़की है, बेटी है, दुख्तर है, उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा, निकाह कर उसके साथ ज़िंदगी निभाना पड़ेगा, लेकिन मेरी वो दुख्तर अपाहिज है, आँख से अंधी है, ज़ुबान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से माजूर है, पाँव से लंगड़ी लूली है, अपाहिज है, हर जाविये से आजाए जिस्मानी जो हैं गोया। आपने यूं बयान फरमा दिए कि वो आँख से गई, ज़ुबान से, कान से, हाथ और पाँव से माजूर है वो, उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा तब जाकर तुमको माफ़ी मिलेगी। अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि अगर माफ़ी मिलती है, अगर वो एक सेब जो मैंने खा लिया है इजाज़त के बग़ैर, अगर माफ़ी मिलती है तो मैं ज़िंदगी भर गुजारा कर लूँगा, किसी तरह से मैं आमादा और तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह की बारगाह में पकड़ और पुरसिश न होने पाए उस सेब के मुतालिक के मालिक की इजाज़त के बग़ैर खा लिया है, बस माफ़ी मिल जाए तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, ज़िंदगी गुजार लूँगा, माफ़ी मिल जाए। अल्लाहु अकबर। फिर बस शर्त थी, शर्त मान लिया आपने, दिन वक्त मुकर्रर हुआ, गवाहों को बुला लिया हज़रत अब्दुल्ला सुमाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और फिर खुतबा पढ़ा दिया, ईजाब व कबूल करवा दिया, और फिर सिफतें तो बयान कर दी गई थी, दुल्हन तो ऐसी है,
आँख से अंधी, सब ये सब उसके सीए ये सिफात हैं। वो तो कुछ देखना नहीं, मुझको तो बस उनकी माफ़ी मिलनी है, बस माफ़ी उनके पेश नज़र थी। निकाह हो गया, फिर आपने उन हज़रत अब्दुल्ला सोमाई ने हुजरे में भेज दिया कि उस हुजरे में तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी दुल्हन उस कमरे में है, जाओ। निकाह हो चुका था, आप कमरे में दाखिल हुए। कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि ये तो आँखों से भी अच्छी है जी, ज़ुबान से गुफ्तगू भी कर रही है, हाथ पाँव भी उसके सही। उसी तेज़ी में चौखट को सर टकरा गया और खून बहने लगा। उसी हालत में बाहर आए तो सहन में सुसर खुसर मोहतरम बैठे हैं हज़रत अब्दुल्ला सोमाई, हज़रत सैयद मूसा जंगी दोस्त आकर अर्ज़ करने लगे कि आपने फरमाया था, मुझे आपने जहाँ भेजा था वहाँ पर तो मेरी दुल्हन नहीं है, मेरी जौजा, मेरी अहलिया नहीं, कोई और लड़की बैठी है वहाँ पर। पूछा क्या हुआ, बताया कि आपने फरमाया कि वो नाबीना है, उसको तो आँखें हैं। आपने फरमाया कि वो ज़ुबान से गूंगी है, आँख से अंधी होने के साथ साथ वो तो गुफ्तगू कर रही है, गूंगी नहीं है, कान से सुन भी रही है, हाथ पाँव भी उसके सलामत है। आपने तो इसे बयान किया था कि हाथ पाँव से भी माजूर है। आपने फरमाया कि वही तुम्हारी दुल्हन, वही तुम्हारी जौजा है। हाँ सुनो, मैंने उसको आँख से अंधी ज़रूर कहा था। आँख से अंधी इसलिए कहा था कि उसने कभी भी अपनी आँख से गैर महरम को नहीं देखा है, गैर मर्द को कभी नहीं देखा है उसने, इसीलिए मैंने उसे आँख से अंधी कहा। ज़ुबान से कभी भी उसने गीबत, चुगली, खिलाफ शराख शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही उसने। अल्लाह उसके रसूल, कौल अल्लाह कौल रसूल ही उसकी ज़ुबान पर रहा, ज़िक्र तिलावत क़ुरान दुरूद पाक यही उसकी ज़ुबान पर जारी रहा, कभी भी कोई दुनियावी बात उसकी ज़ुबान से नहीं निकली। इसीलिए मैंने उसे ज़ुबान से गूंगी कहा, कान से बहरी इसलिए कहा कि कभी भी उसके कान में कोई भी मजामीर, गाने बाजे की आवाज़ें या कोई भी गीबत, गाली गलोच, चुगलियाँ, इस किस्म की कोई भी खिलाफ शरा, अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी की कोई बात उसके कान में दाखिल नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे कान से बहरी कहा। अल्लाहु अकबर। हाथ कभी भी उसके गुनाह की तरफ आगे नहीं बढ़े, कभी भी किसी गैर मर्द को छूना तो दूर की बात है, किसी गुनाह की तरफ उसके हाथ आगे नहीं बढ़े, इसीलिए मैंने उसे हाथ से माजूर कहा। पाँव से लूली इसलिए कहा कि कभी भी उसके कदम घर की चार दीवारी के बाहर नहीं निकले, इसीलिए मैंने उसे पाँव से माजूर कहा है। मुबारक हो तुम्हें, वही तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारी जौजा। अल्लाहु अकबर। ये उस खातून का ये आलम, ये तकद्दस, ये इफ्फत, ये पाक दामनी, अल्लाह उसके फरामीन का इतना पासो लिहाज और इतनी अमल आवरी, अल्लाह उसके हबीब के इरशादात पर हया का पैकर, नमूने खातून जन्नत बनी हुई वो खातून है, वो खातून। और फिर हज़रत सैयद मूसा अबू सालिह जंगी दोस्त, उनका मामला ये कि एक सेब खा लिया तो उसकी माफ़ी के लिए कई दिन रात का सफ़र तय करते हुए वहाँ पहुँचे, और फिर शरायत रखी गई इतने साल की बाग की खिदमत, तो माफ़ी करवाने के लिए इतनी जुहद, इतनी मेहनत व मशक्क़त किए कि वो माफ़ी मिल जाए। फिर ऐसी शर्तें मंजूर कर ली जो किसी भी एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए नाकाबिल कबूल होती हैं। वो शर्तें मंजूर कर ली, अपाहिज खातून से, एक अपाहिज लड़की से निकाह।
जो मुकम्मल तौर पर सर से पा तक अपाहिज जिसका तज़किरा किया गया आपने मर्शू भी शर्त मंजूर कर ली कि एक सेब की माफ़ी मिल जाए जो बग़ैर इजाज़त खा लिया गया। वैसे मर्द और ऐसी खातून जब मिलते हैं दोनों के दरमियान निकाह के ज़रिए से जौज और जौजा का रिश्ता कायम होता है मियाँ बीवी का, तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में हुजूर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में औलाद अता फरमाता। ये तकद्दस उधर मर्दों का एक तकद्दस उनके वालिद की मुबारक ज़िंदगी, ख़वातीन के वो एक तकद्दस की वो आला मिसाल, पाक दामनी की शर्म व हया और शरीयत पर अमल आवरी की आला तरीन नमूना बनी हुई फातिमा रहमतुल्लाही ताला अलैहा, सैयदा फातिमा अल्लाहुस्समद, हज़रत गिरामी सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी कसम, आपकी विलादत बासआदत से कबल आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सैयद मूसा अबू सालिह जंगी दोस्त रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त आपकी विलादत हो रही थी उस शब ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए, दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जमात या सहाबा भी मौजूद है, औलिया किबार उस ज़माने के जो थे जो गुज़रे हैं वो भी मौजूद हैं हुजूर के साथ, और आपके वालिद ख्वाब देख रहे हैं कि ख्वाब में तशरीफ़ लाए हुजूर और बशारत दे रहे हैं, उनको खुशखबरी दे रहे हैं, ऐ अबू सालिह मूसा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा अता फरमाएगा, उसकी बड़ी शान होगी, वो वली कामिल होगा और सुनो वो मेरा महबूब भी होगा और अल्लाह का महबूब भी होगा और तमाम औलिया उसके मुती और फरमा बरदार उसकी इताअत करने वाले होंगे और उसका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। ये बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से उनके वालिद को अता फरमाते हैं। आपकी विलादत जब हुई उस रात जीलान की सरजमीन पर जितने जितने माओं को जितनी हामिला माओं को बच्चे हुए तो उन्हें वो मर्द बच्चे हुए और जितने बच्चे हुए तमाम को अल्लाह तबारक को ताला ने हुजूर पीरा ने पीर की विलादत की उस शब के सदक़े में तमाम को विलायत का आला तरीन मकाम अता फरमाया, तमाम के तमाम बड़े वली बने। अल्लाहु अकबर, वो शान हुजूर पीरा ने पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी तरफ मुंतखब कर लेता है चुन लेता है। विलादत बासआदत हुई 29 शाबान अल मुअज़्ज़म की, यानी रमज़ान से पहले वाला महीना, 29 बोले तो दैट मीन्स 29 अगर शाबान है तो चांद रात विलादत हुई आपकी। यकीनी तौर पर विलादत हुई, हज़्ब मामूल बच्चों को दूध पिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त सहर हुआ यानी रमज़ान स्टार्ट हुआ, सहर हुई वक्त रमज़ान का रोज़े का वक्त स्टार्ट हुआ, रोज़े का जैसा वक्त स्टार्ट हुआ आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, आपने ग़िज़ा तो दूध ही होती थी, पानी की अल्लाह ताला ने पानी की प्याज भी बुझाने की सलाहियत उसके अंदर, भूख भी बुझाने की सलाहियत उसमें रखती है, ये कुदरत का निज़ाम है। माँ लाख कोशिश करने के बावजूद भी ना आप तलब फरमाते, भूख और प्याज हुई तो बच्चे तलब करते हैं, माएँ दूध पिलाती हैं महसूस कर कर, ना आपने तलब किया या माँ के कोशिश करने के बावजूद भी आपने नहीं पिया, यहाँ तक कि शाम हो जाती है, यानी रोज़े का पूरा वक्त मुस्तनद मुदल्लल और तसलसल के साथ
जो रिवायतें रावियों के इत्तेसाल के साथ में जो मुस्तनद किताबें मौजूद हैं, बाज़ाब्ता एक नज़्म जो अहादीस की रिवायत करने का नज़्म है, फ़लाँ फ़लाँ को फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, और वो उस ज़माने तक जो सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक, किताब बहजतुल असरार और दीगर बड़ी मोतबर किताबें मौजूद हैं। कोई आपने पैदा होते ही आपने रोज़ों का सिलसिला, रोज़ों का अहतमाम फरमाया, रमज़ान फिर सारा रमज़ान का महीना आपका यही मामूल रहा, पूरे जिलान के अतराफ व अकनाफ सब ये शोहरत हो गई कि सैयद मूसा जंगी दोस्त के घराने बच्चा पैदा हुआ है, जो पैदा होते ही उसने रोज़ा रखा है और रोज़ों रमज़ान का रोज़ों का अहतमाम किया है महीना पर। अल्लाह अकबर, आइंदा साल जब रमज़ान आया तो मतला अबर आलूद था, यानी अबर आ गया तो चांद नज़र नहीं आता, पहली का चांद एक 10-15-20 मिनट के लिए नज़र आता बारीक सा, फिर गायब हो जाता, मतलब अबर आलूद था। अब लोग एक तजब्जुब में है कि चांद हुआ या नहीं हुआ है, चांद की रुयत, चांद दिखा या नहीं दिखा, रुयत हिलाल का मसला, चुनांचे उसके इत्मीनान के लिए कन्फर्मेशन के लिए लोगों की नज़रें टिकी तो हज़रत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर पर कि गुज़िश्ता साल इस घर में जो बच्चा पैदा हुआ है अब्दुल क़ादिर, रमज़ान तमाम पैदा होते ही रोज़ों का अहतमाम किया है कि अब ये क्या करता है, ये रोज दूध अगर पी लिया है तो समझो कि चांद नहीं हुआ, रमज़ान शुरू नहीं हुआ, अगर इसने दूध नहीं पिया है तो फिर समझो कि रमज़ान शुरू हो गया है। अल्लाहु अकबर, रुजू किए लोग, पता चला कि आपने दूध नोश नहीं फरमाया, दूध आपने नहीं पिया है, तो फिर लोगों को ये यकीन हो गया कि रमज़ान शुरू हो गया, रोज़ा शुरू हो गया है। हज़रात गिरामी, ये है दो बातें, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, ये इंतखाब विलायत एक कसबी विलायत होती है, बंदा शरीयत मुतहरा पर सख्ती से अमल पैरा होकर तकवा और परहेजगारी के इख्तियार करे और सख्ती से तकवा और परहेजगारी पर अमल पैरा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ईमान के कमाल के साथ कामिल मोमिन बंदा तकवा परहेजगारी के ये तमाम चीज़ों को परहेजगारियों के इख्तियार कर कर ये अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी मौज़बत पाबंदी के साथ ही अमल करता रहे तो अल्लाह ताला ये उसकी इस कसब और मेहनत के बिना पर अल्लाह ताला विलायत के लिए मुंतखब कर लेता है। एक विलायत वहबी विलायत होती है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा में वह भी विलायत का ऐलान, अल्लाह जिसे चाहता, मन यशा जिसे चाहता है अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है, ये हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला वह भी विलायत के लिए मुंतखब चुन लिया गया है। अभी अमल कसब का मामला तो बाद में है, इंतखाब पहले से हो चुका है, आपके दुनिया में आने से पहले से अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि कैसे कैसे माँ बाप के तौर पर कैसे कैसों को मुंतखब किया, फिर विलादत बासआदत के साथ ही पैदा होने के साथ ही रोज़ों का अहतमाम, शऊर एहसास, अल्लाहु अकबर, ये मामला वह भी विलायत, एक कसबी विलायत है। अल्लाह तबारक व ताला ने विलायत के दरवाज़े खुले रखे हैं, क़ियामत तक अल्लाह तबारक व ताला वह भी विलायत के लिए भी जिसे चाहे मुंतखब कर ले, और कसबी विलायत बंदा अपने अमल से कोशिश से मेहनत से लगन से रियाजात मुजाहदात जी शरीयत मुतहरा की पाबंदियों के साथ ज़िंदगी जो गुजारे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस कसब की बिना पर अल्लाह ताला उसको विलायत का मकाम व मरतबा अता फरमाता है। हुज़ूर पीरान पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक परहेजगारी का एक निसाब अता फरमाया, मुख्तसर सा निसाब, बंदा इस पर सख्ती से अमल पैरा हो जाए, इसी पर मुआज़बत के उसको ज़र्रा बराबर इस निसाब में
यानी सिलेबस जो बोलते हैं, इस निसाब में कमी आने न दे, इस निसाब को मुकम्मल करे, इसी पर गामजन अपनी ज़िंदगी को कर ले और इसी पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला उसे वो मकाम परहेजगारी के उस मकाम पर सख्ती से अमल पैरा होने के बिना पर अल्लाह ताला विलायत के लिए मुंतखब फरमा लेता है। चुनाचे आपने इरशाद फरमाया कि لا يتم الورع الا ان يرعى عشره اشياء فريضه على نفسي, यानी परहेजगारी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इन 10 बातों की रियायत अपने ऊपर फर्ज की तरह न की जाए। इन 10 बातों की रियायत अपने ऊपर फ़र्ज की तरह, जैसा एक फ़र्ज़ होता है, अब नमाज जैसा फ़र्ज बोले तो आजकल तो नमाज तो कभी कभी पढ़ने का मामला हो गया है तो उतना एहसास लोगों, लेकिन फरीज़ा जो है फ़र्ज समझ लीजिए आप, ड्यूटी है कंपलसरी ड्यूटी के तौर पर। तो फुनाच फरमाया अव्वलुहा, उसमें से सबसे पहली चीज़, हिफ्ज़ुल लिसान मिनल गीबा, गीबत से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना, गीबत से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना। वसानी अलिजतनाब अन सूइज़्ज़न, और दूसरी चीज़ बदज़नी से, बदगुमानी से किसी के मुतालिक भी बदगुमान हो जाना, बदज़नी इख्तियार करना, बुरा सोचना, बदगुमानी से अपने आप को बचाया जाए। अस्सालिस अलिजतनाब अन सुखरिया मिनन नास, तीसरी बात उस निसाब की तीसरी बात फरमाया कि लोगों का तमस्खर उड़ाने और लोगों का मजाक उड़ाने से अपने आप को बचाना। अल्लाहु अकबर। फरमाया अर्राबे, चौथी बात, गद्दुल बसर अनिल महारिम, जी हराम, कभी अपनी निगाहों से हराम नहीं देखना, हराम चीज़ों से अपनी निगाहों को झुकी रखना, अपनी निगाहों को बचाए रखना, हराम चीज़ों से अपनी निगाहों को बचाए रखना। अल्लाहु अकबर। पांचवी बात, सिद्कुल लिसान, हमेशा सच बोलना, ज़ुबान के सच्चे रहना हमेशा। असादिस, छठी बात, आपने इरशाद फरमाई अल्लाह की नेमतों को बढ़ा जाने ताकि उसके अंदर उज्ब और तकब्बुर न पैदा हो जाए, अल्लाह ताला की नेमतों को बढ़ा जाने कि अल्लाह ताला की नेमत जो है, खुद के अंदर अपनी बड़ाई, अपनी खुद पसंदी, ये मेरे अंदर, ये मेरा, वो, ये जो चीज़ें हैं इंसान के अंदर खुद पसंदी और तकब्बुर पैदा करती हैं, अल्लाह की नेमत को बढ़ा जाने कि अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, अगर वो ना होता तो मैं कुछ ना होता, ये मेरे पास ना होता, अल्लाह की नेमत को बढ़ा जाने। अल्लाहु अकबर। सातवीं चीज़ फरमाया, अपने माल सिर्फ़ हक़ की राह में खर्च करें, अपना माल सिर्फ़ हक़ की राह में खर्च करें, बेजा इसराफ़ में खर्च ना हो, बातिल और फजूलियात में ना खर्च किया जाए, ये निसाब है उस पर अमल किया जाए तो बंदा परहेजगारी हासिल कर सकता है। आठवीं बात, आपने इरशाद फरमाई खुद के लिए कभी भी बड़ाई और आला मनसब का ख्वाह ना रहे, मुझको ये मनसब मिल जाए, मुझको वो मर्तबा मिल जाए, मैं उस मनसब पर आ जाऊँ, मुझको ऐसा नुमाया मकाम मिले, मुझको वो नुमाया जगह मिले, ऐसा वैसा, ये जो होता है, कभी भी अब खुद के लिए कभी भी बड़ाई और आला मनसब का ख्वाह ना हो, ना चाहे। सातवीं, अत्तासिया, इरशाद फरमाया पांचों नमाजें उनके अपने औकात पर पाबंदी से अदा करें। दसवीं बात, आपने इरशाद फरमाई अल इस्तिकामा अला सुन्नति वल जमाअ, दसवीं बात, हुजूर पीराने पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ताकीदन फरमाते हैं, वो जो 10 नुकाती जो निसाब आपने मुरत्तब फरमाया, ताकीद फरमाई कि अहले सुन्नत व जमात को लाजिम पकड़े और मजबूती से उसे थामे रहे, अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहे। गुनियतु तालिबीन, सफ़ा 254 पर आपकी ये इरशादात
लिखे हैं जो आपने उम्मत मुस्लिमा को ताकीदन फरमाए कि बंदा तकवा वरा परहेजगारी हासिल करना चाहे तो इन बातों पर सख्ती से अमल पैरा हो। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए। मौला तबारक व तआला हुजूर पीरान पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सच्चे चाहने वालों में हमें शामिल फरमाए और आपकी मुबारक और नूरानी तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। Allah, 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 ما لنا مولى سوى Allah.